आज सुबह तड़के एक बड़ी खबर कोरबा से निकलकर सामने आई है। अविभाजित मध्य प्रदेश में डिप्टी सीएम रहे स्वर्गीय प्यारेलाल कंवर के पुत्र, उनकी पत्नी और बेटी, 4 वर्षीय उनकी बेटी थी हरीश कंवर की, उनकी पत्नी और ये 3 लोगों की नृशंस हत्या कर दी गई है। पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। एक संदेही को भी हिरासत में लिए जाने की सूचना मिल रही है। हमारे साथ उन्हीं के परिवार के, जो कि इसी क्षेत्र के पूर्व विधायक रहे हैं, श्यामलाल कंवर जी मौजूद हैं। उनसे हम सीधे बातचीत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से ये जो है हत्याकांड हुआ और किसी पे संदेह भी है क्या उनको। कंवर जी, ये बताइए कि ये किस तरह से हत्याकांड हुआ, कब आपको सूचना मिली? मुझको 7:30 बजे खबर मिली, जब मैं यहाँ सो रहा था, तो कि इस तरह से हरीश के और उसके घर वाली के और उसके बच्ची का हत्या हो गया है। मेरे को भी बड़ा सरप्राइज हुआ। मैं भी कल शाम को ही आया था बाहर से, मध्य प्रदेश तरफ था, तो अचानक सुन करके मेरे को सरप्राइज हुआ। मतलब ऐसा कैसे हो गया? फिर मैं बोला, अभी कोरोना चल रहा है, कोरोना में सब कोई घर घर में घुसे हैं, अब ऐसे समय में हत्या हो जाना। तो फिर बाद में आके देखा तो सब पुलिस वुलिस पहुँच गए थे यहाँ, और जिस तरह से इस पार्ट को देखने से ऐसा लगता है कि बड़ा ब्रूटल मर्डर किया गया है, और पूरे परिवार को ख़त्म करना, ये जो है समझ में नहीं आ रहा है कि बाहर के आदमी आता तो अकेले उसके जिससे दुश्मनी हो सो करता, उसके बीवी को, उसके बच्चे को मारने का, बच्ची को मारने का कोई सवाल ही नहीं है। अच्छा, आपके भी पारिवारिक संबंध रहे हैं, आप भी परिवार से जुड़े रहे हैं, आपके रिश्ते में क्या लगते थे? और जैसा कि हम ये भी बता दें कि ये जो घर आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यही वो घर है यहाँ जहाँ इस पूरे वारदात को अंजाम दिया गया है। फॉरेंसिक की टीम मौके पर मौजूद है। और कंवर जी से हम आगे और भी बात करेंगे कि कंवर जी, रिश्ते में आपके क्या लगते थे हरीश कंवर जी? रिश्ते में मेरे भतीजे हैं वो। जी, भतीजे थे। तो आपके भतीजे थे, और किसी पे आपको संदेह भी है कि क्या वजह हो सकती है इस हत्याकांड के पीछे? वजह इस हत्याकांड के पीछे लग रहा है, जिस तरीके से घटना हुई है उससे लग रहा है कि आपस के ही जो है रंजिश के चलते ये ऐसा कुछ हुआ होगा। और जो मारने वाले आए थे, जिस तरीके से ब्रूटल मर्डर किए हैं, उससे ऐसा लगता है कि वो किराए के जैसे लोग आते हैं ना, काट के चल देते हैं, उस टाइप के काट के चल दिए हैं। तो ऐसा लग रहा है कि आपस के ही कुछ कलह के चलते ये सब हुआ है। किसी पर संदेह आपने व्यक्त किया है? आपसे भी पुलिस ने पूछताछ की होगी, बयान आपका भी? मेरे से अभी कोई खास पूछताछ नहीं हुआ है, क्योंकि मैं बाहर था, और मुझको अभी तक जो है इसके गुत्थी की जानकारी नहीं हो पाई है। पर ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से दो भाई यहाँ रहते थे इस घर में, एक भाई परिवार से ही सुबह सुबह जो है मॉर्निंग वॉक में चला गया, उसके बाद जो है आकर के दूसरे भाई के जो है मर्डर होता है, और उसके घर वाली की हत्या होती है, उसकी बच्ची की हत्या होती है। इससे तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि भाई भाई के ही आपसी दुश्मनी। जमीन का भी आपसी विवाद लंबे समय से चला रहा है, भी पता चला है। जो है आपस में, जब से हमारे बड़े भाई इंतकाल किए तब से ये 4 भाई जो थे, चारों भाई का जमीन जो है एक ही है, बंटवारा नहीं हो पाया है, उसी में थोड़ा इनका आपस में खींचातानी चलते रहता है। तो कितनी जमीन है और कब से इनका विवाद चला आ रहा है? इनके करीब 25-30 एकड़ जमीन है, और जब से बड़े भाई एक्सपायर किए हैं उसके बाद से जो है इनका जो है ये खींचातानी चल ही रहा है। आपस में जमीन का बंटवारा ये लोग नहीं कर पाए हैं, विवादित चल रहे हैं, इसी के चलते कुछ ना कुछ आपस में खींचातानी चलती रहती है। किसी एक व्यक्ति को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है, ऐसी भी सूचना मिल रही है, किसी हिरासत में लिया है, क्या सोचते हैं? लिया है, जैसे बोल रहे हैं, उसमें वो जो मृतक है उसके बड़े भाई का साला है, ऐसा अभी पता लगा है कि वो जो है कहीं मोटरसाइकिल, आज ही मोटरसाइकिल में सुबह सुबह एक्सीडेंट हुए हैं, और हॉस्पिटल में एडमिट थे, और नाम बदल के एडमिट थे, और जैसे उनके हालात थे उसके चलते शंका इन्हीं के ऊपर जा रहा है, जो मृतक के बड़े भाई के साले हैं। जी, तो जैसा कि कंवर जी बता रहे हैं कि जो मृतक हैं उनके बड़े भाई के साले के ऊपर संदेह व्यक्त कर रहे हैं, और अभी हालांकि कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है, पूछताछ जारी है, डॉग स्क्वाड की टीम भी मौके पर पहुंची है, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो फॉरेंसिक टीम है वो भी मौके पर मौजूद है। अभी मृतकों के जो शव हैं वो अंदर ही रखे हुए हैं, क्राइम सीन अभी क्रिएट करके फॉरेंसिक टीम या जो भी उनकी जो साइंटिफिक रीज़न होंगे, जो भी साइंटिफिक तरीका होगा, उसे ये पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि किस तरह से इस वारदात को अंजाम दिया गया है। पुलिस पूरी तरह से सक्रिय है मौके पर, अब भी जल्द ही खुलासा होने की भी उम्मीद जताई जा रही है। पुलिस ने कुछ संदेहियों को हिरासत में लिया और कुछ लीड्स भी पुलिस को मिले हैं। भैसमा से राजकुमार शाह, ETV भारत, कोरबा।